कहाँ जा रहे हो? अमी, मैं अलिश्बा को लेने जा रहा हूँ। वो कल रात को यहाँ से जा चुकी नहीं है। नहीं जा सकती वो। मुझे छोड़ के किस तरह जाएगी वो? यहीं होगी, प्लीज मुझे देख। वो जा चुकी है, वहां चली गई है जहां से वो आई थी। कैसे रह सकती है मेरे बगैर? For God's sake, Waleed, stop it. समझने की कोशिश करो। वो लड़की तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। अगर उसे तुम्हारी फिक्र होती ना, तो इस घर से कभी भी नहीं जाती। मैं उसके बगैर कैसे रह सकता हूँ? नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। Don't worry, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, I promise, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी। It's okay, it'll be all right. हेलो, कौन से नखरे सवार हो गए आज हैं? नखरी ना करो, खा लो। तुम्हें अभी इन बिस्तरों पे सोने की आदत नहीं रही ना? उन बिस्तरों पे भी सोने की आदत नहीं थी। जैसे वो आदत चली गई तो ये भी चली जाएगी। तुम जानती हो बेटा, हमारे इस मुआशरे में एक अकेली लड़की का रहना कितना मुश्किल है। मैं अकेली थोड़ी हूँ, आप हैं ना मेरे साथ, और आपके होते हुए मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? तुम यहाँ नहीं रह सकती अलिश्बा। क्यों, क्यों नहीं रह सकती मैं यहाँ? अब क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा घर वो है जहाँ तुम्हारी शादी हुई है। वो घर मेरा कैसे हो सकता है जहाँ मुझे तहफ़ुज़ ही ना हो, जहाँ घर के लोगों से ही खतरा हो कि वो कभी भी उठा के मुझे बाहर फेंक सकते हैं? किस हक से रहती मैं वहाँ? तुमने बहुत गलत फैसला किया मेरी जान, और मैं तुम्हें सारी जिंदगी इस तरह पछताते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से भी चली जाती हूँ, आप पे बोझ नहीं होगा फिर। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझ पर बोझ हो, यही कहा ना? नहीं कहूंगी तुमसे कुछ भी, ये भी नहीं कहूंगी कि तुम इस घर से जाओ। जो मर्जी में आए तुम्हारे, तुम वो करो। बात करती है, बहुत गलत हुआ। अलिश्बा को इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे तो लगा था कि वो खुद को डिफेंड करेगी, लेकिन वो तो ऐसे खामोशी से चली गई जैसे सारे उसके ऊपर इल्जामात लगाए हुए सही हूं। प्लीज समरा, देखो तुम इस तरह मत रो। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अफसोस मुझे भी बहुत है, लेकिन लेकिन वो हमारी अलिश्बा थी ही नहीं। वो मेरी बेटी है, मेरी अलिश्बा। मैं माँ हूँ, मुझे पता है रमशा, मुझे पता है। काश होती, लेकिन उसकी खामोशी उसकी चुगली खा रही थी। तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मेरी बेटी पे, और क्या करती? उससे तो खामोश रहना था ना, क्या कर सकती थी वो? तुमने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा
एक माँ के सामने तुमने उसकी बेटी पे इतना इतना घटिया इल्जाम लगाया, तुम्हारा दिल नहीं फटा? मैंने सिर्फ पूछा था। नहीं रमशा नहीं, तुमने अपना फैसला सुनाया था, वो भी मेरी बेटी की जिंदगी का। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने इल्जाम लगाया और वो खामोशी से मेरा इल्जाम सुनकर चलती बनी, क्योंकि उसके दिल में चोर था। उसके दिल में चोर नहीं था रमशा, तुम्हारा इल्जाम उसकी सोच से बहुत बढ़कर था। सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी खाला इतनी गिर सकती है। समरा, इस वक्त तुम गुस्से में हो, जब होश में आ जाओगी ना तब अंदाजा होगा कि कौन सही था और कौन गलत। और एक बात मत भूलो, मैं भी एक माँ और अपने बेटे के लिए बेहतर फैसला करने का हक मैं रखती हूँ। वो मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की है रमशा। I'm really sorry. क्यों, तुमने क्या किया? सब कुछ मेरी वजह से हुआ। Why was it so? मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। तुमने मुझे यहाँ पर रोक के अलिश्बा को हर्ट किया है। वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती। Usually उसे हर चीज वो पसंद है जो मुझे पसंद होती है। चीजों में और इंसानों में बहुत फर्क होता। मेरे इर्द गिर्द वो इतना इनसिक्योर फील करती थी। अजीब बात नहीं है, मैं उससे शादी कर ली वो फिर भी इतनी इनसिक्योर थी। आई डोंट नो, जैसे वो गई है ना पता नहीं दोबारा वापस आएगी कि नहीं। क्या करेगी बेचारी झोपड़ी में? क्या पता झोपड़ी में रहेगी भी या नहीं। लेकिन वलीद, सब घर वाले तुम्हें इस तरह देखकर बहुत परेशान हैं। वो सब चाहते हैं कि तुम खुश रहो। बहुत आसान है कहना कि खुश रहो, तुम्हें क्या पता जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो आपका धोखा दे तो कैसा लगता है। ये तो मुझसे कह रहे, देखो मैं पहले भी और अब भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती बस। और तुम्हें पता है इस घर के तमाम लोगों की खुशियां तुम्हारी खुशी से जुड़ी हैं। क्या कर रही हैं आप? वलीद को फोन कर रही हैं आप? बस ऐसे ही। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ तुम अपने घर चली जाओ अलिश्बा, खुदा के लिए अपने घर चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। ऐसे क्यों कर रही हैं आप? हाथ क्यों जोड़ रही हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी ही लड़कियां देखी हैं जो अपनी जिद और अना की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठती हैं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। कभी नहीं सोचा था। अरे तो मुझे इस बात की
कि अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद भी आप मुझे उस घर में वापस जाने का कह रही हैं? क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। मैं नहीं जाना चाहती वहां, और ना ही मैं जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम वापस चली जाओ। बेटा एक दफा उससे बात करके देखो, हो सकता है उसका जहन बदल गया, हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर उसे अपनी गलती का एहसास होता ना तो मुझे खुद फोन करता। किया उसने? नहीं ना, और वो करेगा भी नहीं। उसके लिए वो सना ही ठीक थी। उसको अपनी जैसी सोच वाली लड़की ही चाहिए। मैं उसके लिए बहुत अच्छी थी। अब दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। मैं और किसी के आगे नहीं झुकूंगी। अलिश्बा, क्या हो रहा है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, चक्कर आ गया। देखो अपनी हालत क्या हो रहा है। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, और तुम तो यहाँ के बिस्तर पे भी नहीं सो पा रही हो। चल शाबाश, चल चल। मैं ठीक हूँ काकी, बस आप मुझे परेशान मत कीजिए। अलिश्बा, वलीद कहाँ है? रमशा कमरे में होगा। कमरे में होगा का क्या मतलब है? बुलवाओ उसे। मैंने सना से कहा है, लेकर आ रही है उसे। अरे ले, आ गए। इतनी मुश्किल से लेकर आया। चलो अच्छा है, आ गए हो तो कुछ खा भी लो। मुझे भूख नहीं है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं इस घर की बड़ी जरूर हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी बात की कोई अहमियत या किसी फैसले की कोई हैसियत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस कुर्सी की अहल हूं। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो समरा? आज से मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगी क्योंकि मैं इसकी अहल नहीं। क्या फायदा जब मेरे किसी फैसले की हैसियत ही नहीं। रमशा, आज से मैं चाहती हूं कि तुम इस घर के सारे मामलात संभालो। आओ आओ, ये कुर्सी तुम्हारी है, इस पे बैठो। घर की चाबियां कुर्सी पर बैठकर तुम जो भी फैसला करोगी, चाहे कोई और इनकार करे या इकरार, मैं तुम्हारे फैसले से कभी नहीं हटूंगी। समरा, क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? अशर, जब इस घर में वही होना है जो वो चाहती है तो मैं कहीं भी बैठूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस घर की बड़ी हो। बड़ों की बात मानी जाती है, उनके फैसलों पे बहस नहीं की जाती। लेकिन तुम्हारा ये फैसला गलत है। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि आज से इस घर के किसी फैसले में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगी। मेरी बेटी मुझसे छिन गई,
इस दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। समरा, मैं नानी बनने वाली थी अशर, लेकिन शायद खुशी मुझे रास ही नहीं आती। एक बात बता दूं आपको अशर, मेरी बेटी इस घर से चली गई है, लेकिन इस दौरान अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर एक आवाज भी निकाली तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मैं मुंह से हाथ हटा रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा, बात करने आया हूं। अगर शोर मचाया तो तुम दोनों को यहीं पे मार के चला जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात करने आया हूं, कुछ नहीं करूंगा। गलत कर रही हो तुम अपने साथ, खुद को बर्बाद कर रही हो, वो भी उन लोगों के लिए जिनको तुम्हारी जरा परवाह नहीं है। यहाँ कैसे आए? तुमसे मिलने आया हूं, याद आ रही थी तुम्हारी। इस तरह करने से कुछ भी नहीं होगा, वो अमीर लोग हैं, उनकी जिंदगी में तुझ जैसी कई लड़कियां आई और कई गई। तुम उनको छोड़ के आ गई, वो तुम्हें कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे। सर जो होता है मेरा मसला है। चल मेरे साथ। क्या? मैंने कहा चल मेरे साथ, तुझे लेने आया हूं। देखो चले जाओ यहां से, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वरना क्या क्या कर लेगी तू? मैं शोर बचा दूं। चल मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। क्या हो गया बेटा, सो जाओ, बहुत रात पड़ी है, सो जाओ मेरा बच्चा। कमाल है, तुम यहाँ इस तरह खामोश बैठी हुई हो। मेरा तो ख्याल है कि वलीद को इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ, कोई बात बुरी लगी है क्या? नहीं, बस मुझे नहीं लगता कि वलीद मुझसे मोहब्बत करता है। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और देखो सना, ये लगने ना लगने का वक्त जो है ना, ये गुजर चुका है। मैं खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी मेरे बेटे से शादी हो। तो ठीक है आंटी, लेकिन मैं वलीद से बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमेशा हमेशा करती रहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस आदमी से मेरी शादी हो वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता हो जितनी ये मैं करती हूँ। जबकि वलीद, वो तो अलिश्बा के बारे में सोचना भी बंद नहीं करता। देखो ये तो तुम्हारा काम है, तुम्हें कुछ ना कुछ करके अलिश्बा की मोहब्बत का भूत इसके सर से उतारना होगा। मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूँ, मैंने तो उसको अलिश्बा के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की है, बट ही डजंट रिएक्ट। फिर मुझे ये लगने लगता है कि मैं कर क्या रही हूँ। तुम अब क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार इन दोनों की बात करवा दूँ। क्या, इनकी बात करवाने की तुम सोचना भी मत। आप समझ नहीं रही मेरी बात, मुझे वलीद पूरे का पूरा चाहिए, मैं उसकी मोहब्बत को बांट नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो एक दफा बात कर ले, उसको क्लोजर मिल जाए, ये किस्सा एक दफा पूरे का पूरा खत्म हो जाए, वरना फिर दोबारा जब उस लड़की का दिल चाहेगा वो उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी और फिर अपना हक जताने लगेगी। वो अब उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे भीख में नहीं चाहिए किसी की मोहब्बत,
मुझे वो वलीद चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो। तुम कैसी बातें कर रही हो? वो एक धोखेबाज लड़की है, तुमने देखा ना उसने किस तरह मुझे और मेरे बेटे को धोखा दिया है। अच्छा आप अपसेट ना हो प्लीज। कैसे अपसेट नहीं हूं मैं, एक ही बेटा है मेरा, क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने उसके लिए, और ये देहात की जाहिल लड़की, तुमने देखा उसने उसका क्या हाल कर दिया। अच्छा प्लीज मैं आई ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करूंगी कि वलीद अलिश्बा को भूल जाए, आप प्लीज अपसेट ना हो। कोशिश नहीं सना, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अलिश्बा को उसकी जिंदगी से निकाल दोगी। डोंट वरी, ये लो नाश्ता कर लो। रात क्या हुआ था जी? मैंने पूछा रात को क्या हुआ था। तुम्हारी आवाज से मेरी आंख खुल गई थी, लेकिन जब तुम खामोश हो गई तो मैं भी दोबारा सो गई। क्या बता बेटा, कोई डरावना ख्वाब देखा था? मैंने देखा कि फॉरएवर मुझे लेके जा रहे, जबरदस्ती कर रहे मेरे साथ, और अब कभी ये सच हो गया तो क्या करोगी? कौन बचाएगा तुमको, मैं या तुम खुद बचा लोगी अपने आप को? आखिर हम कहीं और चलते हैं ना। कहाँ जाएंगे बेटा, किस किस से भागेंगे और कहाँ तक भागेंगे? उस इंसान को तुमने ख्वाब में देखा तो खौफ से इतनी लरज उठी हो, अगर वो सामने आ गया तुम्हारे तो क्या करोगी? तुम्हारा बहुत जज्बाती फैसला है बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। दिल से नहीं दिमाग से सोचो, उस घर के अलावा तुम्हें कहीं तहफ्फुज़ नहीं मिलेगी। तुमसे प्यार करता है, तुम पे भरोसा करता है, अगर तुम पे भरोसा नहीं करता होता तो तुमसे शादी क्यों करता? मुझे यकीन है वो भी तुम्हारे बारे में बहुत परेशान होगा, सोचता होगा तुम्हारे लिए। थैंक गॉड तो अपने कमरे से बाहर तो निकले। I'm sorry. अगर सॉरी कहने से तुम्हें ये लगता है कि मेरी मोहब्बत में भूल जाऊंगी तो फिर I'll say sorry as well. तुम अलिश्बा के बारे में सोचना बंद कर दो। You know that's impossible. देखो वलीद, गौर से अपने दिल में देखो और मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या। दिल ने बहुत धोखे दिए, भरोसा उठ गया दिल से। अच्छा फिर अपने दिमाग से पूछकर बता दो। दिमाग कहता है और धोखों की गुंजाइश नहीं है, और उससे बात करना उसकी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। उसने मुझे बहुत धोखा दिया, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? I mean, जब से वो यहां से गई है, did you guys talk? नहीं। उसने तुम्हें कॉल की? नहीं। वली तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। क्या? मैं उससे बात नहीं कर रहा सना। देखो तुम जब तक उससे बात नहीं करोगे तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं होगा, तुम्हें क्लोजर नहीं मिलेगा। तुमसे बात करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वो अपने फैसले पर कितनी मुतमईन है उस आदमी के साथ, then you'll move on. अच्छा तो मैं उसे फोन करके पूछूं कि मेरी मोहब्बत को लात मार के वो किसी और आदमी के साथ खुश है? नहीं सना, मैं ऐसे नहीं करने वाला। Give me your phone. क्यों? मुझे अपना फोन दो।
वलीद फोन प्लीज। ये लो फोन करो बेटा। नहीं मैं उनसे बात नहीं करूंगी। बेटा उससे बात करो, इससे पहले कि कुछ और गलत हो जाए तो मुझसे बात कर लो। लो शाबाश। किन काकी वो मुझसे बात करना नहीं चाहते। अलिशबा उसको फोन करो और उसे कहो वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। क्यों उससे बात करूं मैं उससे पूछूं वो कैसी है जबकि वो सारे रिश्ते तोड़ के गई। क्योंकि जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा ना तो अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं करोगे। That's why. ओहो, क्या हो रहा है? चलो अच्छा हुआ तुम कमरे से तो बाहर निकले। कोशिश किया करो कि सना के साथ वक्त गुजारो, तबीयत संभल जाएगी। ये तुम्हारे हाथ में वलीद का फोन है ना? जी। किसी को कॉल कर रही थी? जी वो अलिशबा को। क्यों? मैंने बताया था ना आपको। मैंने मना किया था ना तुम्हें? उस लड़की को मैं इस घर में घुसने भी नहीं दूंगी। उस लड़की ने मुझे और मेरे बेटे को धोखा दिया, हम सबको। गलती माफ की जा सकती है लेकिन किसी का गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। क्या सोच रही हो? शाबाश। मानो से मैंने अपने बेटे की शादी की थी। मैं मानती हूँ कि शुरू में मैं तुम्हारे और रिश्ता के रिश्ते के खिलाफ थी लेकिन मैंने खुद को समझा लिया था। और जब से मुझे ये पता चला था कि मैं दादी बनने वाली तब तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। लेकिन मैं किसी का गुनाह नहीं पाल सकती और मैं तुम्हें भी नहीं पालने दूंगी। प्लीज रोए मत। रोने दो मुझे, पहचाने दो वो उस सारे ख्वाब जो मैंने तुम्हारे लिए देखे थे। आप क्यों ऐसी बातें करी? मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। झूठ। अगर तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते ना तो तुम सना को छोड़ के कभी अलिशबा से शादी नहीं करते। अम्मी मुझे उससे प्यार हो रहा था। और अब क्या अब भी तुम उससे प्यार करते हो? सारी जिंदगी उसके पीछे खराब करोगे? वलीद उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, जिन्हें तुम्हारी फिक्र है, बजाय उन लोगों के बारे में जिनके बारे में सोचकर तकलीफ हो। अरे उन लोगों को भूल जाना ही बेहतर होता है। खामोश क्यों? बोलो ना, करते हो अभी उससे मोहब्बत? पता नहीं। तो पता करो वलीद, और जल्दी पता करो। सारी जिंदगी क्या उसके अफसोस में खत्म कर दोगे अपनी? किस चीज की कमी है तुम्हें वलीद? बोलो किस चीज की कमी है? सारी जिंदगी है तुम्हारी अभी तुम्हारे सामने, और मुझे यकीन है कि सना उसे बुलाने में तुम्हारी मदद करेगी।
करोगी ना सना? जी बिल्कुल। बेटा कौन था, किसकी बात सुन रही थी? क्या हो गया बेटा बताओ ना। देखो वलीद, तुम आंटी की बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, इसलिए कभी कभार बस ऐसी बातें कर देती हैं। तुम इतनी बातों में सीरियस ना लेता ना तो कभी ये ना हो रहा होता। देखो जो भी करना बहुत सोच समझ के करना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे किसी फैसले की वजह से किसी को नुकसान पहुंचे। अलिश्बा से बात करनी है। फोन तुम्हारा फोन शायद अंदर है, फोन से बात कर। हेलो हेलो। अरे वलीद बेटा, वो मेरी अलिश्बा से बात करा सकती हैं? हाँ हाँ जरूर, एक मिनट अभी बात करवाती हूँ। बात करो। कौन है? वलीद है, बात करो जल्दी से। शाबाश। हेलो, कैसी हो? जिंदा हूँ। आपको क्या फिक्र हो गई मेरी? क्या हो गया है, पागल हो गई हो? किस तरह बात कर रही हो? आप चुप रहेगा, मुझे बात करने दो। ये पूछने के लिए फोन किया था ना कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। क्यों ऐसी बातें कर रही हो अलिश्बा? मैं तुमसे बात करने के लिए कॉल की है। तुम बहुत बड़ा एहसान किया आपने वलीद साहब। ठीक ही कहते थे सब, मेरे जाने का काम सिर्फ कुछ घंटों का ही होगा। ये बात दूसरी फिर तीसरी, आप अमीरों के यही शौक होते हैं। अलिश्बा, इस बात से मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है आपको, सब जानती हूँ मैं। कितना खुश होंगे मेरे जाने के बाद, किसी को अफसोस नहीं होगा। मैं मरती हूँ मरूं, मेरा बच्चा मरता ही मर जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो मिल गई ना सना, मिल गई आपको आपकी फिर वही मोहब्बत, वही हो गया जो आपकी अम्मी चाहती थी ना। तमीज से बात करूं, मेरी माँ को इसमें लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी अम्मी हमेशा से ही हमारे बीच रही है वलीद, शुरू से ही हमारे बीच शक डालने की कोशिश की। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हमारी शादी हो। हाँ नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने फिर भी तुमसे शादी की। तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। मैं तो अब हर उस चीज पे पछता रही हूँ तो मैंने आपके कहने पे की, आपकी मोहब्बत में की। अलिश्बा, कैसे बात कर रही हो, क्या हो गया? आप मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी, आपके लिए वो सना ही ठीक थी। आपकी माँ ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, वापस सुनते चले गए, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैं तुमसे पूछता भी ना तुमने जवाब नहीं देना था, हर वक्त मुझसे झूठ बोलती रही थी तुम। ठीक है, मैं झूठी, मेरा प्यार भी झूठा, हमारा बच्चा भी झूठा,
लेकिन आप मुझे सच सच बता दो, क्या आप अब चाहते क्या है? अलिश्बा, मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन किया था, तुमसे बहस करने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर पता नहीं किस किस्म का जहर भरा निकल ही नहीं रहा। मैं तुम्हें जवाब दूंगा, दूंगा मैं तुम्हें जवाब, देखना मैं करता क्या हूं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? अलिश्बा नहीं, नहीं बेटा नहीं, नहीं नहीं, रोते नहीं, चुप चुप हो जाओ। भाई एक बात की समझ नहीं आई मुझे। वो क्या? यही कि अलिश्बा के चले जाने से अच्छा हुआ ही क्या, उल्टा हमारे घर की सारी रौनकें भी साथ ही ले गई है, और मेरा बेटा ऐसे घूम रहा है जैसे उसे किसी चीज का होश ही ना हो। और जब शादी हो गई थी भाई, तो उससे फर्क क्या पड़ता है कि वो अलिश्बा थी या नहीं? जैसे सवाल ये नहीं था कि वो अलिश्बा थी या नहीं, सवाल ये था कि वो रहमत उसका कौन है। दो टके के इंसान ने हमारे हंसते बसते घर को बिगाड़ के रख दिया। आई डोंट नो इसके पीछे उसकी नीयत क्या थी, लेकिन जो भी है मुझे लगता है भाई कि हमने ज्यादती की, अलिश्बा को रोकना चाहिए था। देखो यासर, अलिश्बा अपनी मर्जी से गई है, किसी के कहने पर नहीं गई है। अगर वो बेगुनाह होती, इस तरह इनोसेंट होती, तो वो खुद को डिफेंड करती, इस तरह जाती तो नहीं। डैड। हाँ वलीद, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो। मैं सना से शादी करना चाहता हूँ।